हेलो फ्रेंड्स, मैं हिशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा बेल आइकन है साथ में, उसको जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारी किचन में ही अवेलेबल है। ये मैंने लिया है अरारोट, पानी, हल्दी है मेरे पास 2 से 3 बड़े चम्मच, हरे रंग को मैंने पानी में घोल लिया है, ये पाउडर कलर था मेरे पास। ये बेकिंग सोडा है, ये मैंने लिया है 1.5 चम्मच। तो आइए बनाते हैं हम होली के कलर घर पर इको फ्रेंडली। इस घुले हुए फूड कलर को हम डाल देंगे अपने अरारोट के अंदर और जो कटोरी में लगा हुआ है उसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से हिला के उसमें डाल लेंगे। अब हम इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा शुरू में हमें लगेगा जैसे ये जम गया है, लेकिन ये जमेगा बिल्कुल भी नहीं। आपको धीरे धीरे इसको नीचे से उतारते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी कम या ज्यादा हो जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये थोड़ा ड्राई रह जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, और अगर ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। चलिए इसे हाथों की मदद से ही करते हैं क्योंकि हाथों से करने से इसमें जो कलर है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया ग्रीन कलर बना है हमारा, बहुत ही सुंदर। अब बारी आती है आपके साथ पहली टिप शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अरारोट लिया है, आप चाहो तो कॉर्न स्टार्च ले सकते हो, लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैदे या आटे से आप होली के कलर बना लोगे तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि अगर हम इस तरीके से उसमें पानी डालकर कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ेंगे तो वो जम जाएगा और वापस पाउडरी फॉर्म में नहीं बन पाएगा। इसलिए ज़रूरी है आप कॉर्नफ्लोर या अरारोट ही लीजिए। इसको अब हम डाल देंगे एक प्लेट के अंदर, सूखने के लिए छोड़ेंगे रात भर। चलिए बनाते हैं दूसरा कलर, लेकिन उससे पहले हम एक ट्रिक करेंगे। जी बारी है ट्रिक शेयर करने की। ये मेरे पास हल्दी है और है बेकिंग सोडा। हम इस बेकिंग सोडा के अंदर 1 से 1.5 चम्मच हल्दी के मिक्स करेंगे पानी के साथ। 1 से 1.5 चम्मच मैंने हल्दी इसमें डाली है। 2-3 चम्मच पानी के मैं डाल के इसको अच्छे से घोल कर एक साइड पर रखने वाली हूँ फ्रेंड्स, और इससे एक मैजिक होने वाला है वो मैं अभी नहीं बताऊँगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पता चल जाएगा। बस इसको अब हम रख देंगे एक साइड पर कुछ देर के लिए। बनाते हैं पीला रंग। पीला रंग बनाने के लिए ये हल्दी है हमारे पास 2 चम्मच। इसको हम पानी डाल के घोल लेंगे पहले अच्छे से, क्योंकि हल्दी जितने अच्छे से मिक्स होकर इसका पेस्ट बनेगा बढ़िया, उतने ही बढ़िया कलर आएगा अपने कॉर्नफ्लावर में या अरारोट में। यहाँ पर भी मैंने वही अरारोट लिया है, 150 ग्राम के आसपास है फ्रेंड्स। ये हल्दी मैंने डाल दी है अपने अरारोट के अंदर। बची हुई हल्दी को भी हम पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे इसमें। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, अच्छे से घोलेंगे, मिलाएंगे, नीचे से जमा हुआ उतारेंगे और फिर हाथों से भी इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है फ्रेंड्स इसका। अब हम इसको जो है एक प्लेट में फैला देंगे अच्छे से और उसको रात भर के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए। तीनों कलर हमने इसी तरह से प्लेट में फैला के छोड़ देने हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे कलर की ओर। यह है हमारा रस्टी कलर बनाया है मैंने, थोड़ा रेड और ऑरेंज का मिक्सचर है क्योंकि यही कलर बनना था दोस्तों इसके साथ। ये हमारी हल्दी और बेकिंग सोडा का मिश्रण है। हल्दी और बेकिंग सोडा आपस में रिएक्ट करके ऑरेंज कलर या रस्टी कलर क्रिएट करते हैं। इसको हम जितना अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा पानी डाल लीजिए ज़रूरत हो तो, मिलाते रहेंगे। जितना अच्छे से हम इसको मिलाएंगे इसने अपना कलर देना शुरू कर देना है। देखिए अभी ये थोड़ा थोड़ा कलर देना शुरू कर रहा है फ्रेंड्स। इसको भी हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको प्रॉपर रेड कलर चाहिए तो इसके लिए आपको फूड कलर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया कलर बनना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा इसका कलर डार्क होता जाएगा। इस
को भी हमें एक प्लेट में निकाल के फैला के धूप में सुखा देना है। ये देखिए मैंने तीनों कलर्स को प्लेट में डाल दिया है। येलो कलर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालने की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये सूख जाएगा इसको हम हाथों से मसल कर देखेंगे तो ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा। हम इनको यूज़ करने से पहले एक बार छन्नी से छान लेंगे ताकि और भी फ्लफी हो जाएं। ये देखिए मेरे कलर सूख चुके हैं और मैंने इनको छन्नी से छान लिया है। बहुत ही सुंदर वाइब्रेटिंग कलर्स हैं। इसको अगर आप इस तरह से गिरा के देखेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लो है इनमें, देख रहे हैं ना आप दोस्तों। ये देखिए तो इस बार घर पर बनाइएगा कलर इको फ्रेंडली, पूरी तरह से सेफ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड गिव मी अ बिग थम्स अप। थैंक यू, बाय बाय।